इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम पालक गोश्त। सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बल्कि आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्राम गोश्त लिया हुआ है, और 750 ग्राम ही हमने शलजम पालक, दोनों की क्वान्टिटी बराबर है। मसाले के लिए लिया है हमने 3 बड़ी प्याज ले लिए, 1 लहसुन ले लिया और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5-7 हरी मिर्च और हरा धनिया, 2.5 कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, उसके अंदर 1 बड़ी इलायची आधी, 1-2 लौंग, 8-10 काली मिर्चें ले लिए। अब हम चूल्हे पे कुकर चढ़ा दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप कितना भी ले सकते हैं, मैंने 2-3 चम्मच बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, ऊपर से हम शलजम पालक डाल देंगे। शलजम पालक को हमें अच्छी तरीके से धो लेना है, जिसमें मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें ऑनियन, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, खड़े मसाले डाल देंगे, और इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। इसमें हमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 100 ml पानी डाल देंगे, ताकि हमारा गोश्त में सीटियाँ अच्छी तरीके से लग जाएं हमारे सालन में। अब इसको हमने हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा देंगे। 1 सीटी आने के बाद फिर लो कर देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये हमारा 15-20 मिनट हो चुके हैं, हमारा गोश्त भी गल चुका है, ये सालन हमारा परफेक्ट ही कुक हो चुका है। हमारा शलजम पालक गोश्त बन करके तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे तंदूर की रोटी से खाइए या फिर मक्का की रोटी से के साथ खाइए, ये दोनों के रोटी के साथ ही खाया जाता है। अब इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। हमारा शलजम गोश्त पालक बन करके तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।